सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। पूरी मुहिम है, हमने पूरी मुंबई में शुरुआत की है। ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो पूरे भारत में, मुंबई में, महाराष्ट्र में है, इसीलिए हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगाए हैं। और आज हम बड़ी मस्जिद आए हैं। मैं मुफ्ती साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी इजाज़त दी। रशीद भाई और इमरान भाई, बाकी सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुबीन भाई, आज हम इधर आए हैं, हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए हैं। तो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बड़ी मस्जिद की जो फाउंडेशन है वो उनकी तरफ से, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जो डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है, तो इंशाल्लाह ये जो कॉन्सेंट्रेटर्स है वो हर एक धर्म के लोगों को दिया जाएगा जिसको भी ज़रूरत हो, और फिर ये वापस लेकर अलग अलग लोगों को दिया जाएगा जैसे लोगों की मदद हो और उनको ऑक्सीजन पहुँच सके। यंश, ये बताइए कि अब तक का कितने ऑक्सीजन सिलेंडर आपने इसे मंगाए? ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हाल ही में अगर आप देखेंगे तो हमने कहा था कि 500 आ गए थे, कल और भी आए हैं, इंशाल्लाह और भी जगह जाएंगे। हम ज्यादा भी महाराष्ट्र में करेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम मुंबई शहर में देने के बाद में महाराष्ट्र में अलग अलग शहर में देवे, उसके बाद में बिहार से भी फरमाइश आई है, तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह दरिया बनाएगा तो हम बिहार भी जाएंगे। मकसद ये है कि इसमें आपको गैस भी भरना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन बनेगा, और एक को दिए वापिस आए, आपने दूसरों को दिए, इस तरह का ये लोगों को काम आएगा। और ये छोटी सी कोशिश है, अल्लाह कबूल फरमाए। महाराष्ट्र में हर जिले में जाएंगे, अभी जी मुंबई में जाएगा कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में? नहीं नहीं, आपने समझा नहीं, हमारे यहाँ एक हेल्पलाइन है जो कर रहे हैं, उसके बाद में पता चला बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद काम कर रही है, ये बड़ी मस्जिद काम कर रही है, तो कुछ में कोई ने कहा कि और जैन मंदिर काम कर रही, जो जो संस्था काम कर रही है जिनको ये जरूरत है, क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम हर लोग को देवे, तो हमारे तरफ से ये समझ लेना कि हम खुश नसीब है कि हमको सेवा करने का। आप लोग के साथ में मोबी भाई हैं, रईस भाई हैं, इमरान भाई हैं, हमारे इंशाद भाई हैं, जो भी ट्रस्टी है यहाँ, और खास तौर पे मैं हजरत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने दुआ करके इस चीज को, मतलब, और मैं समझता हूँ उनकी दुआओं की ज्यादा जरूरत है ऐसे वक्त पे। मुफ्ती जी।